पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी पैसे का बंदरबांट किया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। दो महीने में ही टूटने लगी डामर नवीनीकरण रोड। उन्नाव सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक के ग्राम थाना गांव से परमनी गांव तक करीब 4 किलोमीटर रोड का नवीनीकरण कार्य कराया गया था, जिसका पैसा शासन से मंजूरी हुआ था। 33 लाख रुपए पास भी हुआ था। वही रोड बने 1 या 2 महीने ही हुए थे कि रोड टूटना शुरू हो गया और रोड टूट भी गई। जब ग्रामीणों ने संबंधित जय राम प्रकाश से बात किया, तब उन्होंने बताया कि इसकी ठेकेदार से दोबारा मरम्मत करा देंगे। जब समय बहुत ज्यादा हो गया और रोड पहले से भी ज्यादा रोड खराब हालत में हो गई, वही ग्रामीणों व आसपास के लोगों का कहना है कि ठेकेदार और संबंधित जेई दोनों लोगों की मिलीभगत से सरकारी पैसे का बंदरबांट किया गया है। इसकी पुनः जांच होनी चाहिए और रोड का दोबारा कार्य होना चाहिए। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी इंजीनियर अजय वर्मा अधिशासी अभियंता अधिकारी से जानकारी किया गया, तब उन्होंने बताया कि इसकी हम पूरी जांच कराकर ठेकेदार से दोबारा मरम्मत करवाएंगे और बताया कि इस रोड का पैसा ठेकेदार को 60% तक का भुगतान कर चुके हैं। उन्नाव से संवाददाता विनोद सोनकर की रिपोर्ट। था और रोड समय ही टूटने लगी थी, क्या है पूरा मामला? इसी 4 किलोमीटर रोड में नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ था 33 लाख का। ठेकेदार द्वारा नवीनीकरण का कार्य मार्च जून जुलाई के बीच में किया गया था, जिससे कि बरसात के कारण आबादी पोर्शन में कुछ जगह उखड़ गया है। अभी ठेकेदार को निर्देशित कर दिया गया है, ये मौसम गर्म होते दोबारा काम ठीक करा दिया। कार्य मानक के अनुसार ही होगा, लेकिन बरसात के कारण उखड़ गया है। आबादी पोर्शन में पानी भरा रहता है, इसलिए वो वहाँ पे खराब हो गया है। अब पुनः ठीक करा देंगे, थोड़ा मौसम गर्म हो जाए। इस रोड का भुगतान मेरे ख्याल से अभी जो है 60% तक हुआ है, हो चुका है। हाँ, अभी 40% ठेकेदार का बकाया है, ठेकेदार ठीक करेगा अपने खर्चे पे।